अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रजा और आप देख रहे हैं रजा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डीसी वायरिंग पे तफसीली बातचीत करने जा रहे हैं। जैसा कि हमारे यहां से डीसी वायरिंग की जा रही है और डीसी वायरिंग के कुछ मैं आपको ऐसे टिप्स देने जा रहा हूं जो अक्सर लोग गलतियां करते हैं और डीसी वायरिंग करने के बाद उनकी लाइटें सही तरह से रोशनी नहीं देती है या पंखे की स्पीड सही नहीं होती। अक्सर लोगों से ये शिकायतें सुनने को मिलती हैं, तो इसमें क्या वजह है और किन तारों को हमें इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, इन सब टॉपिक पे हम तफसीली बातचीत करेंगे। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ रहें और नए आने वाले तमाम दोस्तों से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक उन्होंने हमारे चैनल रजा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ चार वायर हमें देखने को मिल रही है और यहाँ पे ये देखिए ये एक वायर है, ये 176 की वायर है और ये 176 की वायर हम पंखे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसा कि यहाँ पे आपको चार वायर नजर आ रही है, ये चार वायर जो है 50-76 की वायर कहलाती है और इसे हम लाइटों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हर लाइट को हमने अलग अलग सप्लाई दिया है। अक्सर देखा जाता है कि लोग इस तरह की एक तार डाल देते हैं और उसमें 3-4 लाइटें चलाते हैं। जब एक लाइट ऑन करते हैं और उसके बाद जब दूसरी लाइट ऑन करते हैं तो पहले वाली लाइट की रोशनी कम हो जाती है और उसके बाद जब तीसरी लाइट ऑन करते हैं तो फिर उससे पहले वाली की लाइट की रोशनी कम हो जाती है। सही तरीका यही है दोस्तों कि डीसी की फिटिंग में हमें हर लाइट के लिए अलग कनेक्शन देना चाहिए। तार का इस्तेमाल भी सही करना चाहिए, ना ज्यादा मोटी हो ना ज्यादा पतली हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 50-76 की वायर हम लाइट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और 176 की वायर ये हम डीसी फैन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक बोर्ड लगाएंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमने पंखे के लिए यहाँ पे तारे पहुंचाई है और ये देखें यहाँ पे एक लाइट है, ये एक कॉर्नर की शॉप है और यहाँ पे डबल शेटर लगे हुए हैं। ये देखें यहाँ पे हमने एक लाइट दी है छोटी सी, आपको एक लूप नजर आ रही है, उसी तरह यहाँ पे हमने लाइट दी है और यहीं से ड्रिल करके हम शेटर के बाहर ले गए और यहाँ पर भी इसी तरह ही है, यहाँ पे भी हमने ड्रिल करके इस शेटर के बाहर एक लाइट निकाला है और ये तमाम वायर को हम एक जगह ले जा रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे हम एसी डीसी फैन लगाएंगे, एसी का कनेक्शन तो ऊपर से हो जाएगी, डीसी का कनेक्शन के लिए हमने अलग से ये 176 की वायर दी है। दोस्तों डीसी वायरिंग में हमें इस बात का भी खास ख्याल रखना होता है कि बैटरी जो है हम ऐसी जगह पर रखें कि हमें बहुत ज़्यादा वायर को नहीं घुमाना पड़े, जिसकी वजह से हमें तार की भी बचत होती है और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के चीज़ें हैं यानी डीसी लाइटें वगैरह हैं वो सही चलती है, उनकी प्रॉपर रोशनी होती है और प्रॉपर स्पीड होती है पंखे वगैरह की। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर हम बैटरी रखेंगे और देखें यहाँ से हम तार को उठा रहे हैं और बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से यहाँ पर ले जा कर छोड़ रहे हैं। ये देखें ये दुकान का 3 हिस्सा जो है हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल हम यहाँ से तार को ले जाके इस कोने पे लगाते हैं और फिर इस कोने से तार को ले जाके इस कोने पे लगाते हैं, तो बहुत ज्यादा तार जाया होगी और उसके अलावा जो है हमारा जो बैटरी का सेटअप है वो सही तरह से नहीं बनेगा, रोशनी सही नहीं होगी लाइटों में। डीसी फिटिंग डीसी वायरिंग में इस बात का खास ख्याल रखा करें कि कोशिश करें जितना शॉर्टकट तरीके से हो सके आप काम करें और तारों को बहुत ज़्यादा दूर तक ना ले जाएं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस दुकान में हमने 3 लाइटें दी हैं और बिल्कुल ऐसे तरीके से दी हैं कि सब करीब करीब है और इसी तरह एक पंखे को हमने यहाँ सप्लाई दिया है और सारी मेन जो तारें हैं वो हमने यहाँ पर उतारी हैं। इसी तरह देखें यहाँ हमने सेंटर में होल करके बाहर की तरफ हम सप्लाई ले गए हैं, वहाँ पर हम बाहर में डीसी लाइट देंगे, इसी तरह यहाँ पर भी होगा। डीसी फिटिंग में इस बात को अपने जहन में रखा करें कि हमारे पास एक जो डीसी करंट होती है वो एक लिमिट होती है, उसकी जो है हमारे पास एक लिमिट होती है, ऐसा समझ लें कि पानी का जो आपका छत का टैंकी है आप वो समझ लें और जो एसी सप्लाई होती है वो आप समझ लें कि कुएं का पानी कि आप जितना निकालेंगे वो निकलता चला जाएगा, कम नहीं होगा। लेकिन डीसी लाइट जो है वो आप अपने छत की टैंकी समझें या बाल्टी का पानी समझें या एक बड़ा टैंकी छोटा टैंकी समझें कि आप जितना पानी निकालते जाएंगे उसमें कमी आते जाएगी, तो उसी हिसाब से हमें तारों को वायरिंग को इस तरह से करना होता है कि कम से कम हमारा लाइन लॉसेज हो, कम से कम हमारा बैटरी का इस्तेमाल हो और जितनी हम ज़्यादा दूर ले जाएंगे तारों को उतना ज़्यादा हमारा बैटरी का लाइन लॉसेज होगा और उतनी हमारे डीसी लाइटें या पंखे जो है इसकी स्पीड कम होगी, उनकी रोशनी कम होगी। दोस्तों जैसा कि हमारा ये डीसी वायरिंग का काम मुकम्मल हो चुका है और यहाँ पे लाइटें भी ऑन की जा चुकी हैं और ये जो आप लाइटें देख रहे हैं ये सस्ता और अच्छा लाइट है, ये लाइट की कीमत 100 रुपये है।
दोस्तों लाइटों के लिए 50-76 का तार इस्तेमाल किया गया है, सिल्वर की वायर है। इसी तरह सीलिंग फैन के लिए, डीसी सीलिंग फैन के लिए 176 सिल्वर की वायर इस्तेमाल की गई है। आमतौर पर 176 सिल्वर की वायर की कीमत 30 रुपये गज है। इसी तरह 50-76 सिल्वर वायर की कीमत जो है वो 15 रुपये गज है। अगर आप 50-76 की वायर कॉपर में लेंगे तो ये तार तकरीबन आपको 40-50 रुपये गज पड़ेगा। इसी तरह ये अगर आप 176 की वायर कॉपर में लेंगे तो ये तकरीबन आपको 60-70 रुपये गज पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे 6 स्विच दिए गए हैं, 5 स्विच जो है वो 5 लाइटों के हैं और 1 स्विच पंखे का है, और यहाँ पे एक छोटी सी बैटरी लगा के इसे टेस्ट किया जा रहा है। ये सिर्फ चेकिंग के लिए लगाया गया है, अभी प्रॉपर तरीके से कोई बैटरी नहीं यहाँ पे लगाया गया है। दोस्तों लाइटों के लिए इस बैटरी से, एक ये 176 की वायर से हमने कनेक्शन किया है, यहाँ पे डायरेक्ट आगे 176 की एक वायर लाइटों में जा रही है और इस बोर्ड में भी लगी है। इसी तरह पंखे के लिए हमने एक अलग से 176 की वायर दिया है। अक्सर लोग एक ही वायर में पंखा और लाइटें सब लगा देते हैं, उससे जो है फिर बाद में जब पंखा ऑन करते हैं तो लाइटें डिम हो जाती है, ये इशू आता है। तो पंखे के लिए अलग वायर इस्तेमाल किया करें और लाइटों के लिए अलग, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। कोशिश ये करें जितने पंखे हैं उनके लिए आप अलग से बैटरी से लाइट ले जाकर बोर्ड में दें। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है कि डीसी वायरिंग का ये काम आपको तफसीली तरीके से बता सकूं। फिर भी कोई कमी रह गई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।